हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि अभी मेरे चैनल पे रामधाम सीरीज चल रहा है। तो इससे पहले जो मेरी सीरीज आई थी वो रामधाम सातवीं सीरीज थी, और आज मैं रामधाम सीरीज में आठवीं सीरीज लेकर आई हूँ। और इससे पहले वाले सीरीज में हमने देखा कि कैसे राम मंदिर के सबूत और उनसे जुड़े हुए इतिहास को मिटाया गया, और आज हम जानेंगे कि राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी। फ्रेंड्स, साल 1528-29 में मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का विध्वंस किया। आक्रमणकारियों की सोच थी कि ऐसा करके भारत के रोम रोम में बसे श्री राम के अस्तित्व को मिटा देंगे, लेकिन उनके विध्वंस ने जन्म दिया अगले 500 साल तक के चलने वाले मंदिर निर्माण के संघर्ष को। वो संघर्ष जो कभी शक्ति से, तो कभी युक्ति से, तो कभी भक्ति से, तो कभी न्यायालयों में तर्क से लड़ा गया। मंदिर विध्वंस के बाद हिंदू वापस जन्मभूमि अधिकार पाने के लिए कई छोटे छोटे संघर्ष करते रहे। हिंदुओं के इस आस्था को देखते हुए साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने अपना खजाना खोल दिया और यह पूरी जमीन ही खरीद ली, जिसके बाद हिंदू इस विवादित ढांचे के बाहर खड़े होकर इस पवित्र भूमि की पूजा करने लगे। इस बीच छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहीं। इसके बाद ब्रिटिश राज आया और 28 नवंबर 1858 को 25 निहंग सिख विवादित मस्जिद में घुस गए, और यह विवाद पहली बार अंग्रेजी शासन के कानूनी कागजों में आया। इन निहंग सिखों ने इस पूरे ढांचे पर राम का नाम लिख दिया। बाद में अंग्रेज सरकार ने बलपूर्वक इन सिखों को बाहर निकाला और यहाँ रेलिंग लगा दी गई। इसके बाद हिंदू जनता रेलिंग के उस पार खड़े होकर भगवान राम के जन्म स्थान की उपासना करने लगे। फ्रेंड्स, 29 जनवरी 1885 में यह मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा, और आज़ादी के तुरंत बाद 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट हुईं। बाबर के समय से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का संघर्ष अब आज़ाद भारत की चौखट तक पहुंच चुका था। फ्रेंड्स, देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना अभी बाकी था, और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई ने जन्म दिया स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन और न्यायिक लड़ाई दोनों को। फ्रेंड्स, इन्हीं सब जानकारियों के साथ अपने आज के सीरीज को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, और आने वाली नए सीरीज में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत में राम मंदिर के संघर्ष को, वो संघर्ष जिसने भारत की राजनीतिक धारा को ही बदल कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और मेरे साथ मिलकर एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम।